नूतन वर्ष के शुरू होते ही लोग नववर्ष को हंसी खुशी के साथ अपने साथ आत्मसात कर लिए और उसे अपने जीवन का हिस्सा मान अपने जीवन को पटरी पर लाने का भरसक प्रयास किया। यही प्रयास बीते हुए वर्ष में भी लोगों ने किया था, लेकिन कोरोना के कारण सफल नहीं माना जा सकता। उस बीते वर्ष में मानव बहुत ही कष्ट में रहा। कोरोना काल में इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि लोग अपनों से चाहते हुए भी नहीं मिल पाते थे। ये बातें नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने नववर्ष 2021 की खुशी पर बचपन ए प्ले स्कूल और ए बी इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों, उनके अभिभावकों और स्कूल स्टाफ और आमजन को नववर्ष की बधाई देते हुए कहा और स्कूली शिक्षा को ऑनलाइन करने पर स्कूल स्टाफ और प्रबंध तंत्र को बधाई दी। वहीं स्कूल की डायरेक्टर अंजलि ने बीते वर्ष के अपने खट्टे मीठे अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि बीता वर्ष 2020 इतना कष्टदायी रहा कि कितने लोग बिना समय के ही काल की गाल में समा गए। उस बीते वर्ष को संघर्षशील, चुनौतियों से परिपूर्ण वर्ष और प्रेरणादायक वर्ष के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राएं, स्कूल स्टाफ और छात्र छात्राओं के अभिभावक गणों ने बीते हुए वर्ष और नए वर्ष की चुनौतियों को सबके साथ साझा किया। हेलो एवरीवन, Myself Riya, teacher of AB International School, want to share you my experience regarding this pandemic, which was very challenging, but we enjoyed a lot and groomed our students too. Due to COVID-19, pandemic 2020 has been unlike any other year for most of us. Everything from classes to assignments and even exams themselves moved online. While it was undoubtedly a challenge for teachers, students as well as parents too, but it was the biggest challenge for teachers as many students were having many creative excuses. But we had to learn new things in order to call them out on it. Many students were camera shy, so we have to understand how to make them comfortable. It was very difficult to teach KG and nursery students as they get bored easily. So we tried our best to engage the students and make the classes interesting by doing several activities each day. However, in case of senior students, they are often attentive, but sometimes they try to log off after attendance or switch off their video and go away. So we began to track them so that they may be aware of being attentive in classroom. Sooner, all the students and teachers managed the situation very easily and perfectly. Moreover, it was a great experience as teachers as well as students got a chance to learn many innovative things. Due to online classes, students got the comfort of learning from home. They are offered ultimate convenience and flexibility. Further, they got more opportunities for teacher and student interaction. Each and every student got individual attention. However, our school did not let the students to get affected by the COVID, as we celebrated all the functions online in which there was involvement of all the students. Also, we are doing some activities to entertain them. In regards, our learning from pandemic have made us better and more comfortable. Thank you. अध्यापक गणों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन क्लासेस जो स्कूलों को दी जा रही है वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है, इसलिए क्योंकि बच्चे जो हैं उससे काफी कुछ सीखे हैं, नहीं तो खाली समय में बच्चे बहुत ही बेकार हो जाते और ऐसी विषम परिस्थितियों में ऑनलाइन क्लास बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है और प्रत्येक स्कूल के टीचर बहुत ही मेहनत और लगन से बच्चों को पढ़ाए और वीडियो बना के बच्चों को जो सेंड करते थे उससे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, क्योंकि ऐसे समय में बच्चों को बिजी रखने का एकमात्र साधन ऑनलाइन वीडियो था, ऑनलाइन क्लासेस था, जो बहुत ही अच्छा और सराहनीय रहा है। और एबीआईएस के बच्चे तो और टीचर बहुत ही अच्छे से पढ़ाए, क्योंकि हमारे दोनों बच्चे वहीं पढ़ते हैं और मैं खुद देखती हूँ कि बच्चे बहुत अच्छे से बिजी रहते हैं, क्योंकि क्लास अच्छे से चलाई जा रही थी। ऑनलाइन में जानते ही बहुत ही मेहनत पड़ता है टीचर को, जो एक बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा। और समय समय पे डायरेक्टर सर अंजलि मैम ने जितना भी पर्व पड़ता, ओकेजन पड़ा, उसको ऑनलाइन शेयर किया बच्चों के साथ, जो बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सराहनीय रहा और बहुत ही अच्छा मतलब प्रयास रहा उनका। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीषा मितनानी, आई एम अ मदर ऑफ 4 ईयर ओल्ड गर्ल। एज यू ऑल नो,
These days, the mode of learning is virtual. The combination of short live session and offline activities like coloring, dancing, yoga, rhymes are really appreciable. Not only the children are engaged, but the parents are also asked to sit with the child so that we can come to know about the problems the child really face and the things they actually enjoy. The teachers have done a great job and has made learning a real fun. Thank you. Myself, Pratibha Thapa, teacher at AB International School, takes the classes of junior section. This pandemic year has taught me a lot. It is a very good experience to work together with students and their parents both. This pattern of teaching has taught me a lot, and now I am more accurate to give knowledge. Online classes at AB International is not only stuck to academics, it is music, dance, art, craft, yoga, and many more. Overall, it is an edutainment. Thank you. Hello everyone, my name is Sharon Bhutnani. I'm 4 years old. I really enjoyed my online classes and my teacher taught me a lot. Thank you. Bye. My greetings to everyone. Myself, Anjali, Director of Bachpan and AB International School, Northanwa, would like to share my words. Today, I am going to share my experience of 2020. As you all are aware, that year 2020 was a very challenging year, especially for schools. It has taught us many things. Things were interesting, but were also very difficult and challenging. But as we all know that necessity is the need of invention. COVID-19 has posed challenges and equally gave us an opportunity to groom and equally make ourselves strong. पहले तो मुझे लगा कि यह सब कुछ पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि मेरे सामने बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम्स थी बट मी एंड माई टीम गॉट टुगेदर एंड मूव्ड ऑन मेरा बस एक ही मोटो था टू डू द बेस्ट एंड गिव बेस्ट टू एवरी चाइल्ड मेनी ऑब्स्टिकल्स केम बट पेरेंट्स स्टूडेंट्स एंड टीचर ऑल बिकेम अ टीम एंड वर्क टुगेदर We had classes in a very organized way. Exams, games, brain boosters, activities, celebrations, dance, yoga, and many more. All was a fun and learn for everyone. Parents और बच्चों ने हमारा पूरा साथ दिया और चीजें अपने आप बेहतर से बेहतरीन होती गईं. These challenges has groomed us and this year became an achieving year because We were successful in providing quality education. Thank you. Hello everyone, this is Adarsh Gupta and I am a teacher at AB International School. I am here to share my experiences of the year 2020. 2020 has been a difficult year for everyone, especially for teachers. The COVID impacted our teaching pattern and also our separation with the kids was unbearable. But as a teacher, it was my responsibility that none of my students' future get affected and causes hindrance in their growth. Online classes helped us to reconnect with our beloved students and also it helped me to gain a lot of knowledge about the usage of technology for shaping the future of our students. I pray to God that in this coming year, I should be able to give my 100% to the students and also to the organization for which I am working. Thank you. इस नए वर्ष के पावन पर्व पर सभी नगरवासियों को क्षेत्रवासियों को दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं और खास तौर पे एबी इंटरनेशनल और बचपन ने जो कोरोना जैसी महामारी में अपना योगदान दिया है ऑनलाइन क्लासेस चला के कोरोना जैसे वायरस को भगाने के लिए उनका जो योगदान रहा है उनको मैं दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं और एबी इंटरनेशनल के डायरेक्टर वीरेंद्र तिवारी जी और अंजलि मैम को दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ऑनलाइन क्लासेस चालू करके पूरे महाराजगंज में एक नई परंपरा चालू की कोरोना वायरस के प्रकोप से जहां पूरा भारत बंद था उसमें आपने नौतनवा जैसे कस्बे को ऑनलाइन पढ़ाई करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया है धन्यवाद नमस्ते दोस्तों मेरा नाम गौतम जोशी है मैं नौतनवा का रहने वाला हूँ मुख्य रूप से मैं व्यवसायी हूँ आज
मैं अपने बच्चों के स्कूल ABIS और बचपन प्ले स्कूल नौतनवा के विषय में कुछ बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मित्रों, जब COVID-19 रूपी बीमारी अपने भारत में आई तो भारत सरकार के निर्देशानुसार सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया। उसके बाद कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस चलाने पे विचार किया, जिसमें से ABIS और बचपन प्ले स्कूल भी एक था। जब स्कूल की तरफ से ये प्रपोजल आया तो तमाम लोगों में तमाम तरह के प्रश्न थे कि किस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस करवा पाया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस के मतलब क्या हैं, उससे बच्चों को फ़र्क क्या पड़ेगा, और कुछ इस तरह के क्वेश्चन हम लोग के भी दिमाग में चल रहे थे। लेकिन जब ABIS और बचपन प्ले स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस चालू की और हम लोगों ने उसे ज्वाइन किया तो हम लोगों को कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। बस अगर कमी थी तो वो घर से निकल के जो स्कूल जाते थे उसी की कमी थी, बाकी ABIS और बचपन प्ले स्कूल के टीचरों ने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही हमारे कमरे को अपना स्कूल बना लिया था। बच्चे जितनी शालीनता के साथ स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी उन लोगों ने उसी शालीनता के अनुसार किया, और मैं धन्यवाद देता हूँ अंजलि त्रिपाठी जी का, जिन्होंने इसे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने एक एक पेरेंट से, एक एक टीचर से अगर कोई दिक्कत हुई तो उसे जान के उसे हल करने की भी कोशिश की। 2020 समाप्त होने जा रहा है, 2021 आने जा रहा है। ABIS और बचपन प्ले स्कूल एक नए मुकाम को छुए। इसी भावनाओं के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रद्धा एंड आई एम हियर टू शेयर माय व्यूज एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2020 एज अ गार्जियन एज वेल एज अ टीचर ऑफ AB इंटरनेशनल स्कूल। I know for each and every individual this year has been a challenging year, not only for me but for each and every parents as well as all working staff which has worked all day and night for each and every one of us. So if I talk about myself, I have learned so many new things as a person. I have developed myself and groomed myself in a very different way. Before this coronavirus, I used to be a very camera conscious person. But now, as the year is almost about to end, I have seen so much of differences in my own personality and on my own development. So as an individual, as a teacher, I have learned so many things, like not being a camera conscious person, being creative for the contents. And also, if I talk about being a guardian, if I was not a teacher, I would have definitely judged the teaching staffs and the contents that the teacher have been sharing via WhatsApp or via any social media sites. I would have definitely been a judgy person, or I would have definitely judged them by their contents and their confidence, each and everything. But as a person, as a teaching staff, as well as a guardian, I think I understand things from both sides. And at the end, I would like to conclude this video by thanking AB International School for providing us such a wonderful platform wherein each and everyone has the right to share their own views, either it be a guardian or it be a teacher. I'm very grateful for being a teacher as well as a guardian in AB International School. Thank you everyone, and have a great day as well as a very blissful new year. Bye-bye.